हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी जो अपकमिंग डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की एग्जाम होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जीएमपी के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जीएमपी कम्स अंडर शेड्यूल एच, शेड्यूल एम, शेड्यूल आर, शेड्यूल एस। जीएमपी कम्स अंडर, तो शेड्यूल्स में हमने डिस्कस किया था जीएमपी कम्स अंडर शेड्यूल एम, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जीएमपी के लिए होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है शेड्यूल एम। देन ये शेड्यूल एच होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए, शेड्यूल आर होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, एंड शेड्यूल एस में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, शेड्यूल एम होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, QMS stands for Quality Manufacturing System, Quality Management System, Quality Marketing System, Quality Manufacturing Services। तो क्या होता है QMS? तो QMS होता है Quality Management System, Option B will be your correct answer। QMS stands for Quality Management System। Next question, GMP comes under which title? 21 CFR, 25 CFR, 26 CFR, 35 CFR। ये CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। बहुत बार एग्जाम में CFR का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। एंड GMP कम्स अंडर 21 CFR, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। GMP कम्स अंडर 21 कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एम हैविंग द डिटेल्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। शेड्यूल एम हैविंग द डिटेल्स अबाउट, तो शेड्यूल एम हैविंग द डिटेल्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्शन ऑल्सो, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेक्शन ऑफ 21 CFR कंटेंट इज CGMP इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग और होल्डिंग ऑफ ड्रग? पार्ट 211, पार्ट 210, पार्ट 300, पार्ट 310। ये CGMP होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। Which section of 21 CFR contain the current good manufacturing practice in manufacturing, processing, packing or holding of drug? तो ये होता है part 210, option B will be your correct answer। Next question, which department should evaluate all aspect of the received material? QA, QC, R&D, production? Which department should evaluate all aspect of the received material? तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट शुड इवैल्यूएट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिसीव्ड मटेरियल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्यूए होता है क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी डिस्ट्रॉयड एज पर द प्रोविजंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स - 1998, 1992, 1996, 1993। तो बायोमेडिकल वेस्ट रूल बने थे 1996 में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। And all biomedical waste shall be destroyed as per the provisions of Biomedical Waste Rule 1996. Next question, what is the meaning of C in CGMP? Current, currency, checking or coverage? तो अभी हमने previous question में discuss किया, CGMP होता है current good manufacturing practice and C stands for current, option A will be your correct answer. The meaning of C in CGMP is current, current good manufacturing practice. Next question, good documentation is an essential part of quality control, quality assurance, both A and B, none of the above. Good documentation is an essential part of, so good documentation is an essential part of quality assurance, option B ho jayega aapka correct answer. Good documentation hota hai essential part of quality assurance. Next question, on the basis of 21 CFR, CGMP for finished product, part 210, part 211, part 300, part 310. On the basis of 21 Code of Federal Regulation, current good manufacturing practice for finished product. तो ये होता है part 211, option B हो जाएगा आपका correct answer. Finished product के लिए होता है part 211. Next question, spoken or written document is observed, heard or investigated is called as SOP, report, protocol, none of the above. Spoken or written document is observed, heard or investigated is called as,
तो इसे बोला जाता है रिपोर्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रिपोर्ट होता है स्पोकन और रिटन डॉक्यूमेंट, ऑब्जर्व हर्ड और इन्वेस्टिगेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट डैश क्वालिटी सेफ्टी इफिकसी नन ऑफ द अबव। कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट डैश, तो किसे इंडिकेट करता है कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट? तो कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट होता है इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल बाय एसओपी इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट आरएनडी। द फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल बाय, तो फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल होता है बाय एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल बाय एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशन विच टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट? लेबलिंग पैकेजिंग मास्टर फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशंस विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है मास्टर फॉर्मूला। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीएमपी इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग। द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज पार्ट ऑफ द, तो जीएमपी इज द पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियाज फॉर हाउसिंग एनिमल्स शैल बी आइसोलेटेड एंड मेंटेन एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल डैश ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 140C2 143C1 112C2 150C3। तो इनमें से किसमें प्रिस्क्राइब्ड होता है एरिया फॉर हाउसिंग एनिमल्स? तो ये प्रिस्क्राइब्ड होता है 150C3 में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक के 150C3 में प्रिस्क्राइब किया गया है एरियाज फॉर हाउसिंग एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सनल हैंडलिंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स शैल बी टेस्टेड फॉर डैश सेंसिटिविटी बिफोर एम्प्लॉयमेंट। एम्पिसिलिन क्लॉक्सासिलिन ऑक्सासिलिन पेनिसिलिन। The personnel handling beta-lactam antibiotics shall be tested for dash sensitivity before employment. तो ये होता है penicillin sensitivity. Option D हो जाएगा आपका correct answer. The personnel handling beta-lactam antibiotics shall be tested for penicillin sensitivity before employment. Next question. Separate manufacturing facilities shall be provided for the manufacturing of contamination-causing and potent products such as बार्बिट्यूरेट्स बीटालैक्टम्स पेनिसिलिन्स सेफेलोस्पोरिन्स। तो इनमें से किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज? तो सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर बीटालैक्टम्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेमिनेशन कॉजिंग एंड पोटेंट प्रोडक्ट्स सच एज बीटालैक्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड इज ए बैच प्रोडक्ट बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, तो ये होता है बैच एंड प्रोडक्ट ऑल्सो। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड इज ए बैच एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डैश एरियाज पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फिलिंग। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डैश एरियाज, तो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज इंडिपेंडेंट होने चाहिए प्रोडक्शन एरियाज से। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ IQ इज टू चेक द डिजाइन इंस्टॉलेशन परफॉर्मेंस फैसिलिटीज। द पर्पज ऑफ IQ, यह IQ होता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन and the purpose of IQ is to check the installation. Option B will be your correct answer. Next question, caution, new drug limited by federal law to investigational use is labeled by NDA, IND, ANDA, FDA. Caution, new drug limited by federal law to investigational use is labeled by, so it is labeled by IND. Option B will be your correct answer. IND hota hai investigational new drug application.
इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है INDA, ये NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, देन ANDA होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड FDA होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड INDA होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द QMS रिव्यू पॉलिसीज प्रिंसिपल्स प्रोसेस ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द QMS रिव्यू, ये QMS होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड व्हाट इज द QMS रिव्यू, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। QMS रिव्यू पॉलिसीज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, QMS इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन इज परफॉर्म्ड ऑन एटलीस्ट डैश सक्सेसिव प्रोडक्शन साइजेस 5, 2, 3 और 7। तो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है ऑन एटलीस्ट 3 सक्सेसिव प्रोडक्शन साइजेस, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, एटलीस्ट 3 सक्सेसिव प्रोडक्शन साइजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल शुड नॉट मूव बिटवीन एरियाज प्रोड्यूसिंग डैश प्रोडक्ट्स सेम मिक्स डिफरेंट ऑपोजिट। पर्सनल शुड नॉट मूव बिटवीन एरियाज प्रोड्यूसिंग डैश प्रोडक्ट्स, तो ये हो जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। पर्सनल शुड नॉट मूव बिटवीन एरियाज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।